कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर एक विवाह समारोह में तकरीबन 200 लोग जमा हुए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जब समझाइश देने विवाह समारोह में पहुंचे तो विवाद इतना बढ़ गया कि विवाह समारोह में शामिल लोगों ने पुलिस टीम पर लाठियों से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ आरोपियों को पकड़ में लिया है। तामिया थाने के मड़ा लड़ाना में एक विवाह कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, तहसीलदार मनोज चौरसिया समझाइश देने पहुंचे, पर ग्रामीणों को यह रास नहीं आया और उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इस घटना में थाना प्रभारी को चोटें लगने के साथ ही तहसीलदार के ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। थाना प्रभारी को उपचार के लिए तामिया अस्पताल लाया गया, जहां से थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा को सिर पर चोट लगने के कारण छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा ने बताया कि जिस घर में शादी थी वहां से भीड़ हटा रहे थे, उसी दौरान ग्रामीणों ने पथराव के साथ लाठियां चलाई। बताया गया है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी मौके से भाग निकले। मौके पर थाना प्रभारी के भाई सहित अन्य पुलिस कर्मियों को चोटें लगी हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हमला करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।